नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको खीर का प्रीमिक्स सिखा रही हूँ। अगर हमारे पास प्रीमिक्स रेडी है तो हम सिर्फ 10 मिनट में खीर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए खीर का प्रीमिक्स बनाना शुरू करते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून घी लिया है, उसमें मैं 1/4 कप चावल डाल रही हूँ। हमें चावल को लाइट पिंक कलर आने तक सेकना है। मैंने चावल को बाउल में लेके ठंडा कर लिया है। 1 कप मिल्क पाउडर, 6 टेबल स्पून चीनी, आप अपने इच्छा अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून ग्लूकोज पाउडर, 1 पिंच सिट्रिक एसिड, 2 टेबल स्पून किशमिश, 2 टेबल स्पून बादाम पिस्ता के टुकड़े। अब हम सारी सामग्री को मिक्स कर लेंगे। हमारा खीर का प्रीमिक्स बनके तैयार है। अब मैं आपको इसमें से खीर बनाना सिखा रही हूँ। कढ़ाई में मैंने पूरा प्रीमिक्स ले लिया है, उसमें मैं 800 ml पानी डाल रही हूँ। मैंने 1 लीटर पानी का बॉटल का नाप लिया था, उसमें से मैंने 200 ml बचा लिया है, जिसका हम उपयोग आगे करेंगे। अब हम सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे मीडियम आंच के ऊपर उबालेंगे। मिल्क पाउडर डाला है तो आप इसे लगातार चलाते रहिए। मैं हमेशा ये प्रीमिक्स बनाते समय कोलम चावल यूज़ करती हूँ, पर आज मेरे पास नहीं थे तो मैंने बासमती लिए हैं, पर अगर आपके पास कोलम चावल है तो आप वही लीजिए। 5 मिनट के बाद जो हमने 200 ml पानी बचाया था वो हम डालेंगे और इसे लगातार चलाते हुए उबालेंगे। आप देख सकते हैं चावल आधे कुक हो चुके हैं। जब तक ये पूरी तरह गल नहीं जाते तब तक हम इसे उबालेंगे। हमारे चावल गल चुके हैं और खीर बनके तैयार है। इसे बनने में 8 मिनट लगे थे। अब हम खीर को ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर इसे सर्व करेंगे। हमारा खीर का प्रीमिक्स में से बना हुआ खीर बनके तैयार है। आप इसे बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब